someone who's interested in growing their business using YouTube or expand their social media presence in Twitter, Instagram, Facebook using YouTube? अगर हाँ, तो a virtual high five from my side, क्योंकि मैं भी आपकी ही बोर्ड पे सेल कर रही हूँ. I have started posting consistently on YouTube since May or June of this year, and finally have been able to complete 1300 subscribers. I know it's not a lot, but अगर आपको पता होगा कि YouTube की जो monetization eligibility होती है, उसका सबसे पहला पहलू होता है to complete 1000 subscribers. The second being 4000 hours in the YouTube videos, and third being 10 million views in YouTube shorts. So at least उसका जो पहला criteria है of having 1000 subscribers is completed, and I am going to tell you how did I do it. So stay tuned. अब सबसे मजे की बात पता क्या है, जो मैंने आपको दिखाए अभी कि मेरे 1300 subscribers हो गए हैं, मुझे पता है कि इनमें ज्यादातर जो आए हैं वो आए हैं मेरे YouTube shorts के through. अब आप ये कहेंगे मैं ऐसा इतने confidence से कैसे कह सकती हूँ, right? मैं आपको बताऊं कि मैं YouTube की insights को ना बड़े ही enthusiasm के साथ देखती हूँ. अगर आप भी YouTube में ग्रो करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको भी देखना चाहिए. तो देखिए, ऐसा कहती है मेरी YouTube की insights. YouTube content की insights देखने के लिए Play Store या App Store से YouTube Studio डाउनलोड करें, फिर Analytics और Content पे जाकर आप नई insights देख सकते हैं. जैसे मेरी insights में न्यू व्यूअर्स, रिटर्निंग व्यूअर्स और सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स शॉर्ट से ही आए हैं. सबसे ज्यादा व्यूज भी YouTube शॉर्ट से आए हैं. मेरी YouTube चैनल की इनसाइट्स को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि YouTube शॉर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है YouTube की मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी का पहला क्राइटेरिया, दैट इज 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा करने का. आई डू अंडरस्टैंड कि हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, बट मैं अपना बता रही हूँ और शायद ये आपके लिए भी काम कर जाए. YouTube Shorts होती क्या है? YouTube Shorts होती है शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो कंटेंट, जैसे Instagram में होती है रील्स. 1 सेकंड से लेकर 60 सेकंड्स तक उन्हें बनाया जा सकता है. Instagram में एक डेजिग्नेटेड सा स्पॉट होता है जहाँ पे आप रील्स को एक्सप्लोर कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपने किसी को फॉलो किया हो या नहीं किया हो, किसी की भी रील अगर वायरल हो रही होती है या पॉपुलर हो रही होती है तो आप उन्हें स्क्रोल कर कर देख सकते हो. एग्जैक्टली लाइक दैट YouTube में होती है शॉर्ट्स. आपने चाहे किसी को सब्सक्राइब किया हो चाहे ना किया हो, आपको YouTube Shorts वाले डेजिग्नेटेड स्पॉट पर किसी की भी शॉर्ट दिखाई दे जाएगी. इसे भी एग्जैक्टली 0 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक बनाया जा सकता है, और उसमें आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, सॉन्ग्स ऐड कर सकते हो, एनिमेशंस ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, राइट? अब एक बात समझने वाली है, मैंने कहा किसी की भी शॉर्ट आपको दिखाई दे सकती है उसमें, चाहे आपने सब्सक्राइब किया हो चाहे ना किया हो. जैसे आपको औरों की शॉर्ट्स दिखाई देंगी, वैसे ही आपकी शॉर्ट्स भी तो और पेजेस पे जाएंगी, राइट? आपकी यूट्यूब शॉर्ट अगर किसी और को दिखाई देती है और उन्हें आपका कॉन्टेंट अच्छा लगता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे. सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ यूट्यूब शॉर्ट्स हेल्प्स इन गेनिंग 1000 सब्सक्राइबर्स. दैट इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन. दैट्स व्हाट आई थिंक हैपेंड इन माई केस एज वेल. मैंने कंसिस्टेंटली यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू किया, और जैसे जैसे वो एक्सप्लोर सेक्शन में जाता रहा, जैसे जैसे लोगों को मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा, वैसे वैसे उन्होंने सब्सक्राइब किया. तो मुझे लगता है आपको भी ये टेक्निक शुरू करनी चाहिए. सो YouTube शॉर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं 2023 में, और अगला साल 2024 में भी रहेंगे. ये चीज तो सेटल हो गई है ना. एक्सपोजर चाहिए, तो YouTube शॉर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा आप अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें अपनी वीडियोस में, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. सो नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि हाउ वाज आई एबल टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स एज अ बिगिनर. जब आप किसी नए प्लेटफॉर्म में जाते हो, आपको नहीं पता होता वेयर टू बिगिन विद, राइट? आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर्स को देखते हो एंड यू सी देयर प्रोग्रेस, बट यू डोंट नो वेदर how the struggle began. So you will be able to relate to me now. I have two major secrets. These two very organic secrets, नहीं मतलब बहुत organic steps बोल सकती हूँ मैं उन्हें, that I followed as a beginner, and I think you should too, because that's the way to stay consistent as a beginner.
आप उसके बाद जब when you get the hang of it, hang of shooting things and editing and everything on YouTube, क्योंकि जब आप short form content करते हो fine you get the rhythm, but जब आप long form content करते हो तो आपको थोड़ा सा आदत की जरूरत होती है. Like I'm not very used to speaking in front of the camera for so long. So yeah, you get my point. Very first step which really helped me to stay consistent on YouTube Shorts was to go through my already made content on other social media platforms, Facebook, Instagram. जो मैंने already जो मेरा एक अच्छा backlog of content था from my previous trips, from my previous store visits and things like that, मैंने उन्हें download करके YouTube Shorts में upload करना शुरू किया as a beginner, क्योंकि आप जब तक आपको एक वो आदत नहीं बन जाती है तब तक एक जो आपका बैकलॉग ऑलरेडी है आप उन्हें यूज कर सकते हो. इट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक और इसे कहते हैं रीपर्पज करना. आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के कंटेंट को इजीली डाउनलोड कर सकते हो. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो इट. थर्ड पार्टी एप्स यूज करके या काफी ज्यादा वेबसाइट्स होती हैं इंस्टा रील डाउनलोडर या फेसबुक डाउनलोडर थिंग्स लाइक दैट. आप उनसे अपनी ऑलरेडी मेड वीडियोज को डाउनलोड करके आप YouTube Shorts में इजीली अपलोड कर सकते हो विद द राइट कैप्शन, विद द राइट डिस्क्रिप्शन. और YouTube Shorts में टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको एक जल्दी से डेमो दिखाती हूँ कि मैं कैसे रिपर्पज करती हूँ. सबसे पहले मैं Instagram खोल के अपनी वीडियो चूज कर लेती हूँ और वहीं से डाउनलोड भी कर लेती हूँ. फिर YouTube ऐप से शॉर्ट्स अपलोड वाले सेक्शन से अपनी वीडियो को चूज करके अच्छा सा कवर लगा के उसमें कैप्शन डालकर उसे अनलिस्टेड से सेव करती हूँ. फिर YouTube स्टूडियो में जाकर उसमें टैग्स ऐड करती हूँ और उसके बाद उसे अनलिस्टेड से पब्लिक में सेव कर लेती हूँ और ऐसे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है. वैसे तो वाटरमार्क्स किसी को पसंद नहीं होते हैं. मैं कोशिश करती हूँ कि वाटरमार्क्स ना हो मेरी वीडियोस पे, पर अगर वाटरमार्क्स हैं भी आपके वीडियो में तो ये एक मिथ है कि यूट्यूब शॉर्ट उसको प्रमोट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द वाटरमार्क्स. ऐसा कुछ भी नहीं है. आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दिस, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ. एंड आई हैव आस्क्ड माय फेलो यूट्यूब क्रिएटर्स ऑल्सो, तो दे हैव ऑल्सो सेड कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि वाटर मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके वीडियो पे. हाँ, पर एक चीज मैं सजेस्ट ये करूंगी कि जो कंटेंट है जो आपने डाउनलोड किया है डायरेक्टली भी अगर आपने डाउनलोड किया है आपका ही कंटेंट होना चाहिए वो बेसिकली. क्योंकि जब आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो येस एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट टू ग्रो, बट देन ऑर्गेनिकली ग्रो करने में ना और अपनी एक यूएसपी क्रिएट करने में ना अपना ही मजा है. क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो कि हाँ ग्रो किया ठीक है, मतलब इतने इतने सब्सक्राइबर्स हो गया ठीक है बढ़िया है, तब तो चलो इट्स फाइन. बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपना ही एक ब्रांड बनाऊंगी या बनाऊंगा या फिर मैं अपनी एक यूएसपी क्रिएट करूंगा, तो यू शुड सी लॉन्ग टर्म एंड यू शुड पोस्ट योर ओन कॉन्टेंट ओनली दैट यू हैव मेड योरसेल्फ, ताकि आपका एक थप्पा लग जाए कि ये इंसान इस तरह का कंटेंट बनाता है, इस तरह का उसका स्टाइल है जो हमने पहले प्रीवियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी देखा था और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी या यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी वो जारी है ना. तो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. आप अपने ही कंटेंट को रीपर्पस करें, उसमें कोई दोहराई नहीं है. सबसे अच्छी बात कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं वो उसे कंप्रेस भी नहीं करता है वीडियो को. मैंने कई बार ये वीडियोस रीपर्पस की हैं तो मेरी कई वीडियोस में 50,000, 20,000, 10,000 ऐसे व्यूज आए हैं. सो इट्स सेफ टू से कि आप अपनी वीडियोस को रीपर्पस कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से यूट्यूब में. ठीक है, रीपर्पस कर लिया. अब द सेकेंड वे टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स इज, ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको क्योंकि ये मुझे भी न्यूली पता चला था, कि आप जो लॉन्गर फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट के वीडियोज आप बनाते हो उसे ही आप स्लाइस करके यूट्यूब शॉर्ट्स भी बना सकते हो. Isn't that amazing? That saves you a whole lot of time. मैंने सोच लो किसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा कह दिया जो मुझे लगता है कि हाँ ये बड़ा कैची है, ये शायद अच्छा लगेगा शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो में भी. तो देयर इज एन ऑप्शन कि आप उसे रिमिक्स, जो वीडियोस के नीचे एक रिमिक्स का एक ऑप्शन आता है, आप रिमिक्स करके उसे अपलोड एज अ शॉर्ट भी कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि जब आपकी शॉर्ट अपलोड हो जाती है तो देयर इज अ टीनी टाइनी सेक्शन ऑफ द लिंक जिससे वो ओरिजिनली वो वीडियो ली गई है. तो इन अ वे आपकी जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो है जो आपने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो से बनाई है वो
वो एक लिंक अटैच कर देता है जिस पे जो भी व्यूअर्स होंगे उसे क्लिक करेंगे एंड दे विल रीच टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो, उस पे पहुंच जाएंगे एंड दे विल वॉच इट एंड इन अ वे इट विल हेल्प यू अटेन द सेकेंड मोनेटाइजेशन कैटेगरी जो कि है 4000 आवर्स कंप्लीट करने वाली, मतलब एक तीर से दो निशाने वाली बात है कि आपके जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो जिसको आपने ऑलरेडी एडिट करके मेहनत की है, आप उसी को स्लाइस करके आप मल्टीपल शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस बना सकते हो जो कैची हो, जो व्यूअर्स के अटेंशन ले। नाउ हाउ टू डू इट आई शो यू। यूट्यूब ऐप में अपने चैनल पर जाकर अपनी फेवरेट वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद वहां पर रिमिक्स का ऑप्शन पे जाके एडिट इनटू अ शॉर्ट करना है। अपने फेवरेट सेक्शन को चूज करके उसे एडिट करके आप एक नॉर्मल शॉर्ट वीडियो की तरह उसे एडिट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अपलोड होने के बाद आप देखोगे कि एक लिंक आ रही है जिस पे क्लिक करके आप उसकी ओरिजिनल वीडियो तक आराम से पहुंच सकते हो। So these were my two favorite ways जिनकी मदद से मैंने जो monetization का first eligibility criteria है जो कि 1000 subscribers पूरा करने का, वो मेरा complete हुआ है। बाकी monetization की journey तो चलती रहेगी जैसे कि आप मेरे और videos देखते रहेंगे, like करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती रहूंगी। मुझे और ऐसी ऐसी नई नई चीजें पता चलेंगी वो भी मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा आपको मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि इफ इट वर्क्ड फॉर यू, इफ इट डिड नॉट वर्क फॉर यू और देयर आर एनी अदर स्टेप्स दैट वर्क्ड फॉर यू तो मुझे भी मदद मिलेगी। बाकी स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग्स आएंगे तो डोंट वरी एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।